हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कश्मीरी स्टाइल लौकी की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। बिना प्याज अदरक लहसुन टमाटर के ये बनाई जाती है और बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, छोटे बच्चों को भी आप बहुत ही आराम से ये बना के दे सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार लौकी की सब्ज़ी को। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया जी लौकी। लौकी को हम काट के छील के छोटे छोटे पीसेस में पहले कट कर लेते हैं। और आपके पास लौकी घिया जो भी है उसे आप बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। और ये देखिए जी, हमने इसे कट कर लिया हुआ है और मैंने इसे पानी में डाल के रखा है, क्योंकि बाहर रखते हैं तो एकदम से काली पड़ जाती है। और सबसे पहले देखें, ले लिया जी हमने ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमने थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। साथ में ही हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और जीरा थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद हम इसमें लौकी को ऐड कर देंगे। और ये हमने लौकी भी ऐड कर दी इसमें। और इसके साथ ही अब हम ऐड कर देंगे जी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दें, थोड़ी सी हल्दी। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ जी सौंफ पाउडर 2 चम्मच भर के। और इसमें सौंफ पाउडर का ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस हार्डली 2 चम्मच ही आप इसमें ऐड करें। और इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब हम पहले लौकी को अच्छे से भून लेंगे। और लौकी को हमने अच्छे से भून लिया है। इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसमें हम और कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। हाँ, आप चाहे तो लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल बनती हैं लेकिन बहुत टेस्टी होती हैं। तो अब हमने इसे भी अच्छे से भून लिया हुआ है और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे, क्योंकि लौकी को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो ये गया जी पानी भी। और अब हम थोड़ी देर इसे पहले बॉईल कर लेते हैं। और इसमें बॉईल भी आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसे बंद कर लेते हैं और अराउंड 3-4 विसल लगा लेते हैं। और ये हमने खोल लिया है कुकर को और लौकी भी हमारी पक चुकी है अच्छे से और पानी भी सूख चुका है। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे दूध का। आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आधा ग्लास दूध का ऐड कर दिया है। तो बस अब हम इसे थोड़ी देर बॉईल करेंगे। हम इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, वरना क्या होता है, दूध कभी कभी फट जाता है। और इसलिए जब भी दूध डालें तो ज़्यादा बॉईल ना करें। और लास्ट में मैं 2 हरी मिर्च और ऐड कर रही हूँ और ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये हमारी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी दूध वाली लौकी बनके एकदम रेडी हो गई जी खाने के लिए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये हमारी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी हेल्दी लौकी की सब्ज़ी एकदम रेडी होगी जी खाने के लिए। और आप इसे चाहें रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जैसे आप खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। और स्पेशली मुझे तो चावल के साथ खाना बहुत पसंद है। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।